हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज जिस टॉपिक को लेके आए हैं वो किससे रिलेटेड है? पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या चीज है, पास्ट एडजस्टमेंट में होती क्या चीज है और क्या चीज होता क्या है, इसके लिए हम बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पार्टनरशिप फर्म है जिसने पहले से कोई अकाउंट क्लोज कर दी है, यानी फाइनेंशियल जो क्लोज कर दी है अप्रैल टू मार्च के हिसाब से। जब क्लोज करने के बाद कुछ इस टाइप के रेक्टिफाई करना पड़ जा रहा है, कैसा रेक्टिफाई? कि उसने कोई चीज़ करना भूल गया होगा, यानी ओमिटेड हो गई होगी, या कोई गलती से रॉन्गली एंट्री कर दिया होगा। तो ऐसी कंडीशन में तो प्रीवियस में तो कल जाके मैंने प्रीवियस ईयर में तो जाके नहीं हो सकता, उसका एडजस्टमेंट कब हो सकता है? करंट ईयर में। जब हम करंट ईयर में जब एडजस्टमेंट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या? पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट की कंडीशन में जब हम लोग कोई एडजस्टमेंट करते हैं किसका करते हैं? प्रीवियस ईयर में कोई भी एरर हुई हो, एरर किस टाइप का हो सकता है? कोई चीज़ ओमिटेड हो गया होगा, यानी किसी चीज़ को छोड़ दिया गया होगा जिसको शो करना चाहिए था किया नहीं गया होगा, या कहीं पे कोई गलती एंट्री कर दी गई हो। तो ऐसी कंडीशन को जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो हम लोग उसे क्या करते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ हो सकती है, कुछ गलतियाँ से बताता हूँ। सपोज कीजिए जैसे कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो चार्ज करना था लेकिन चार्ज नहीं किया गया। ठीक है, या चार्ज किया गया हो तो परसेंटेज अगर मानिए कम था अधिक कर दिया गया हो, या अधिक था या कम कर दिया गया हो, तो ये भी क्या होगी? यानी प्रीवियस में अगर किया नहीं गया, करना चाहिए था, तभी कंडीशन में क्या होगी? एरर हो गई। अगर कम करना था अधिक कर दिया गया, या अधिक करना था कम कर दिया गया, तभी कंडीशन में वहां पर क्या हो गई? एरर हो गई। और क्या हो सकती है? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है रॉन्गली प्रोपोर्शनेट में, यानी रॉन्गली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। रॉन्गली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का मतलब क्या है? पहले किसी अदर रेशियो में करना चाहिए था लेकिन किया किसी अदर रेशियो में। तो ऐसी कंडीशन में भी हो सकती है एरर। फिर क्या हो सकता है? यानी कोई भी जो प्रॉफिट थी, यहाँ पे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो पहले से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब कुछ अलाउ किया ही नहीं गया, वो भी एरर हो सकता है। या पार्टनर को सैलरी और क्या कमीशन देना चाहिए था, दिया नहीं। तो इस टाइप के कुछ एरर होते हैं जिसकी कंडीशन में हमारे क्या होते हैं कि जो प्रीवियस ईयर में जो भी एरर हुआ है उसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। तो जब ऐसे एडजस्ट करते हैं तो करंट ईयर में जब हम लोग एडजस्ट करते हैं तो किसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर का। ठीक है, तो इस रिश्ते हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट एडजस्टमेंट। और ये कब होती है एडजस्टमेंट? जब क्लोजिंग हो जाती है, यानी प्रीवियस ईयर का जब क्लोज हो जाता है तब करंट ईयर की कंडीशन में, करंट ईयर में इसको एडजस्ट करते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट में कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं उसके लिए एक एग्जांपल को मैंने पहले से किया हुआ है टाइम के लिए। अब देखिए तो इसके लिए एक क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो क्या चीज हो सकती है देखिएगा, पढ़ता हूं। मालती, पारो एंड आरती आर पार्टनर इन ए फर्म हैविंग फिक्स्ड कैपिटल 80,000, 40,000 एंड 50,000। यानी तीन पार्टनर है, कौन कौन है? मालती है, पारो एंड आरती है। इनका जो फिक्स कैपिटल था इनका क्या था? 80,000, 40,000 एंड 50,000 था। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो था 7:6:4। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी क्या थी? 7:6:4 था। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज एग्रीड एट 10% पर एनम। उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट देना चाहिए था? 10% पर एनम, बट वॉज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देम 12% पर एनम। लेकिन गलती से कितना परसेंट दे दिया गया? 12%। जैसे मैंने अभी बात किया था कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कुछ अदर रेशियो था लेकिन अदर परसेंटेज के हिसाब से देना था, अधिक दे दिया या कम देना था, अधिक दे दिया या अधिक देना था, ये कम दे दिया। तो इस टाइप का भी क्या हो गई? वो प्रीवियस में एरर था। तो इसमें भी सेम, इसी में भी वही चीजें हैं, ये तो नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। अब यहाँ पे क्या था कि तीन पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ था। कैपिटल क्या? 80,000, 40,000 एंड 50,000। तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं, एनालिटिकल टेबल बनाते हैं कि इसमें पास्ट एडजस्टमेंट में कि कैसे हम लोग एडजस्ट करते हैं। तो इसके लिए हमने बनाया है कॉलम, बनाया पर्टिकुलर का है, मालती, पारो, आरती एंड पार्टनरशिप फर्म। अब देखिएगा इसमें ये जो पार्टनर का बना हुआ है ये जस्ट लाइक ए कैपिटल अकाउंट के, ये कैपिटल अकाउंट के कंसेप्ट के हिसाब से ये डेबिट, क्रेडिट, डेबिट, क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। और ये जो पार्टनरशिप फर्म का है ये किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, यानी पार्टनरशिप फर्म की जो प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए जो भी कहीं इसको सही करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या था? एक जने का था 80,000 था, तो 80,000 का 12% जो रॉन्गली था कितना था? 9,600। सेम यहाँ पे सेम उसी हिसाब से देखिएगा यहाँ पे कितने का है, यहाँ पे 40,000 का, तो 40,000 का 12% 4,800 एंड फिर यहाँ पे 50,000 का 12%
6000 तो ये एक्चुअल में रॉन्गली जो जितने भी हमने रॉन्गली क्रिएटेड किया हुआ था यानी जब हमें पार्टनर्स में जब दिया गया होगा रॉन्गली किया गया होगा तो ये पार्टनर्स में कहां लिखा गया था क्रिएट में तो इसको रॉन्गली जो भी थी यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 12% जो रॉन्गली क्रिएटेड किया हुआ था उसको कहां पे कर दिया डेबिट में जो भी रॉन्गली क्रिएटेड हुई होगी यानी पार्टनर को जो मिल चुका होगा यानी पार्टनर को जब भी मिला होगा तो कहां पे आया होगा उसके क्रेडिट में और उसको सही करने के लिए वहां पे कहां पे कर दिया उसको डेबिट में। अब जो एक्चुअल में मिलना चाहिए था एक्चुअली मिलना चाहिए था कितना परसेंट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड एट द रेट ऑफ 10% तो 10% निकाला 80,000 का 10% 8,000 40,000 का 10% 4,000 एंड 50,000 का 10% 5,000। अब देखिए यहाँ पे ये तो आए पार्टनर में एक्चुअल में ये मिलनी चाहिए थी। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जो पार्टनर्स के डेबिट में होगा वो पार्टनरशिप फर्म में ठीक उसका क्या होगा टोटल किया इस वजह से यहाँ पे 9,600 4,800 6,000 जो रॉन्गली क्रेडिटेड हो चुका था गलती से तो कहां पे लिखा पार्टनर के डेबिट में हुआ था पार्टनरशिप फर्म में ठीक यहाँ पे आएगा अपोजिट में तो 20,400। अब जो यहाँ पे पार्टनर के क्रेडिट में आ रहा है यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्चुअल में होनी चाहिए थी 8,000 4,000 एंड 5,000 तो ये इसको कहां पे लिखा पार्टनर्स में क्रेडिट में। तो अगर पार्टनरशिप पार्टनर के क्रेडिट में आया हुआ है तो पार्टनरशिप फर्म में कहां पे आ गई है डेबिट में तीनों का ऐड किया। अब यहां पे क्या हुआ जो रिमेनिंग अमाउंट है रिमेनिंग अमाउंट कैसे मालूम चला हमको हमेशा एक ध्यान रखिएगा पार्टनरशिप फर्म का जो टोटल आएगा वो हमेशा क्या रहेगी इक्वल रहेगी यानी 20,400। अब यहां से 20,400 में से 17,000 माइनस किया तो कितना बचा 3,400। अब 3,400 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 7:6:4 में 7:6:4 में किया जो अमाउंट आई यानी 7 और 6 प्लस 7 प्लस 6 कितना हुआ 13 प्लस 4 कितना हुआ 17 तो 17 तो 7 बाय 17 किया तो 1400 किस अमाउंट को 3400 को फिर 1200 एंड 800 ये तो आई इनकी पार्टनर की। अब यहां पे देखिए यहां पे सब पार्टनर का यानी मालती का भी टोटल किया पारो का भी किया और आरती का भी किया तो इनके जो टोटल किया तो इसका कौन सा साइड एक्सेस है रहा डेबिट साइड तो यानी क्या हो गई मालती क्या हो गई डेबिट हो गई। पारो का कौन सा साइड निकाला यहाँ 4,800 है यहाँ पे कितना है 5,200 तो यानी क्रेडिट कितने से है 400 से। सेम आरती का क्या हो रहा है आरती का डेबिट साइड 6,000 एंड क्रेडिट साइड 5,800 है तो यहाँ पे कितने से डेबिट हो जा रहा है 200 से। अब पार्टनरशिप फर्म हमेशा इक्वल आएगा तो अब यहाँ पे क्या था पार्टनर्स की कैपिटल क्या थी यहाँ पे फिक्स कैपिटल थी इसलिए यहाँ पे क्या होगा जनरेट किससे होगी करंट अकाउंट से यानी जनरेट क्या हो गया मालती करंट अकाउंट डेबिट आरती करंट अकाउंट डेबिट टू पारो करंट अकाउंट यानी मालती का करंट अकाउंट कितने से डेबिट था यहाँ पे 200 से आरती का करंट अकाउंट कितने से डेबिट था 200 से एंड टू पारो करंट अकाउंट कितने से क्रेडिट हुआ 800 से। Being the excess interest created now rectified यानी जो excess interest on created किया हुआ था उसको हम लोगों ने क्या किया rectify किया। इस टाइप से जो हम लोगों ने प्रॉब्लम को देखे कि जब भी कोई wrongly जो created किया हुआ था फिर से देख लेते हैं इसमें क्या था जो wrongly कब create किया गया तो उसको कहां पे करोगे आप debit में। जब ये partner के debit में आएगा तो partnership फर्म में कहां पे आएगी वो credit में। जो actual में मिलना चाहिए था यानी partners को मिलना चाहिए था तो वो कहां पे आ गया वो credit में जो क्रेडिट में आनी चाहिए। और ये जब पार्टनरशिप क्रेडिट में आ रही है तो पार्टनरशिप फर्म में कहां पे आएगी वो डेबिट में। जो भी डिफरेंस होगा हमेशा एक ध्यान रखना कि जितने भी यानी पार्टनरशिप फर्म का हमेशा टोटल क्या आएगा इक्वल आएगा। अगर जिधर का भी जो टोटल डिफरेंस आ रही है अगर मानिए डेबिट साइड एक्सेस है तो क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा होगा या क्रेडिट साइड एक्सेस है तो डिफरेंस कहां पे आ रही है डेबिट साइड में। तो अगर जो भी डिफरेंस आ रहा है उनके जो भी प्रॉफिट है रेशियो दिया होगा उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया अगर पार्टनरशिप फर्म में डेबिट में दिया हुआ है डिफरेंस तो ये पार्टनर में कहां पे आएगा क्रेडिट में। अगर ये क्रेडिट में आता तो पार्टनरशिप में फर्म में कहां पे आती है डेबिट में आता उसके बाद टोटल किया हमेशा पार्टनरशिप फर्म की टोटल इक्वल रहेगी लेकिन पार्टनर का जो टोटल रहेगा वो डिफर कर सकता है इक्वल भी हो सकती है लेकिन डिफरेंट रहेगा ठीक है। अब यहां पे क्या है कि जिसका जो साइड अधिक है यानी जैसे मानिए मालती का क्या था डेबिट साइड अधिक है कैसे मालूम 9600 डेबिट में 9400 क्रेडिट में तो कौन सा साइड एक्स्ट्रा हो रहा है डेबिट तो डेबिट हो गया। सेम पारो का और सेम आरती का तो इस हिसाब से जिसका भी अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जनरेट क्या हो गया मालती करंट अकाउंट डेबिट आरती करंट अकाउंट डेबिट टू पारो करंट अकाउंट 200 एंड 400। अब इसी टाइप से और भी प्रॉब्लम लेके आएंगे पार्शियल एक्सपेंस रिलेटेड ओके। अगर आपको चीज अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। थैंक यू।